स्टैंड भी लग गया मतलब मेरा दिमाग इतना खराब हो गया ना भाई। परसों ही हमने इस पर 3-4 हज़ार रुपये लगा, अब फिर से ऐसे लगाने पड़ रहे उस पर। क्या शोरूम है, मैं तो 0 रिव्यू दूंगा इसका। फैमिली पर्पज से ले रहे हो ना गाड़ी, कसम से ये गाड़ी छोड़ दो आप। एकदम गए थे मेरी गाड़ी से करवाने, बट यहाँ देखो हिमांशु की गाड़ी का काम ही शुरू हो गया। हमेशा मेरा नुकसान होता है। सो हे गाइस, कैसे आप लोग, होप करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, अच्छा रहना। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज व्लॉग की शुरुआत हो रही है भाई मेरी गाड़ी ख़राब होने से, क्योंकि आपने प्रीवियस व्लॉग में देखा होगा, मैंने बताया था कि मेरी गाड़ी पे कुछ ख़राबी आ गई और इसकी ख़राबी मैं यहाँ पे बताता हूँ। स्टैंड भी लग गया मतलब डबल स्टैंड पर करियो, अभी आपको पता चल जाएगा इस पर हुआ क्या। इस पर आवाज़ आ रही है भाई, पता नहीं क्या हो गया, जबकि मैंने पिछली बारी भी जब न्यूटीरी गया था ना, उस टाइम पे हमने गाड़ी सही कराई थी और पूरे के पूरे 4-5 हज़ार रुपये इस पर वेस्ट करे थे हमने। तो मेरा तो बिल्कुल मन हट गया भाई एनटॉर्क से, और कोई भी बंदा एनटॉर्क लेना चाह रहा ना तो भाई मेरे हिसाब से उनको एक्टिवा लेनी चाहिए, एक्टिवा बेस्ट है। स्कूटी में यार मैं एक्सेप्ट करता हूँ, गाड़ी में रेस है जान है, बट जो इसके अंदर की चीज़ है भाई बिल्कुल एकदम बेकार भाई। ये देखो ना आप, कसम से ऊपर ही नहीं, और मत कर नीचे टक्कर रहे, देख नहीं टकरेगा, चले जाएगी। आ जा नहीं, मत कर। तो भाई अब ना इसे टो मार के ले जाना पड़ेगा। चल भाई, तैयार भी निकल रहे हम इस गली से भाई, कब इस गली को पार करके हम मेन रोड पे पहुंचेंगे। अब भाई हमारा देखो टो मार रहा है पीछे से, ये बंदा ना मेरे हर काम आ जाता है, हर काम। तो भाई जैसे ना तैसा करके हम ना भाई इस गाड़ी को लेके आ गए यहाँ पे, और अब भैया से पूछते भाई कि क्या सर्विस दे रहे हैं आप हैंगर की। गाड़ी एक दिन सही करा के जा रहे हैं और एक महीने बाद ही ख़राब हो जा रही है। कैमरा खोल के रखो, ठीक है? ओके। इनके हमेशा ड्राम होते हैं इनके। यार भैया चेक कर रहे हैं कि इस पर हुआ क्या है, देखते हैं क्या निकलता है इस पर। भैया ने बोला कि इसकी कुछ किक की कुछ चीज़ होती है, यहाँ पे किक मारते ना जब किक रैसिड बोला उसने, हाँ जो भी होता है वो, तो उसकी कुछ चीज़ अटक के उस पंखे में घूम रही है, और अभी तो वो काम हो नहीं पाएगा क्योंकि अभी आया हम शाम को। भैया ने बोला फिर कल सुबह आ जाना, और फिर हमें कल सुबह आना पड़ेगा यहाँ पर 9 बजे। तो ये है वो शोरूम भाई, बेकार है। पर TVS कोई भी गाड़ी TVS से मत लेना, जितने भी लोग देख रहे हैं खासकर एंटॉर्क तो बिल्कुल मत लेना। और अब ये ब्लॉग से मैं कल ही बनाऊंगा क्योंकि मेरा मूड हो चुका है स्पॉइल, और मैं नहीं चाहता कि अब मैं ऐसे मूड में ब्लॉग बनाऊं, ना आपको पसंद आएगा ना फिर मेरा ब्लॉग बनाने का मन करेगा। तो गुड मॉर्निंग गाइस, तो कल रात यार गाड़ी सही नहीं हुई थी, और भैया ने बोला था कि मॉर्निंग में आ जाना 9:30, तो 9:30 तो बज गया, तो अभी जा रहे हम गाड़ी सही करवाने। और फाइनली अपने अज्जू भाई यहाँ पे आ गए हैं। अज्जू भाई कैसे हो? और इस टाइम पे ना अज्जू भाई मेरे ये वाला चैनल पे फर्स्ट बार ही आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। अजय हम पहले कहाँ पे थे, 32,000 रुपये, और इस हज़ार में भी हो गए हमारे 1,000 सब्सक्राइबर। क्या करें यार, टाइम के हिसाब से डरना पड़ता है हर चीज़ में, फिर मेहनत फुल सपोर्ट बिल्कुल। और अभी अज्जू भाई और मैं जा रहे हैं गाड़ी सही कराने, जब भी अज्जू भाई आते हैं ना, पिछली बार भी आए थे उस टाइम भी मैं अज्जू भाई को गाड़ी सही कराने ले गया था, और इस टाइम भी आ रहे तो अज्जू भाई मेरे साथ जा रहे हैं, तो दोनों भाई चलते फटाफट। नीचे भाई मानसू भी आ गया, तो तीनों चलेंगे और देखते भाई गाड़ी पर क्या सीन है, कितने पैसा लग रहे उस पर, आइयो बस ज़्यादा ना लगे। तो फाइनली वाइज अपना हिमांशु भाई आ चुका है, और ये बंदा ना बाला वाला से आता भाई मेरी गाड़ी सही करवाने। इसको मैं कभी भी बुलाऊँ ना कि भाई गाड़ी ख़राब होगी, भाई ये प्रॉब्लम होगी, ये बिना कुछ सोचे गाड़ी उठा के सीधा मेरे घर पे पहुँच जाता है। तो भाई दोस्त होने चाहिए तो हिमांशु जैसे। भाई हम गए थे मेरी गाड़ी सही करवाने, बट यहाँ देखो हिमांशु की गाड़ी का काम ही शुरू हो गया, उसकी गाड़ी पर पंचर हो गया भाई। और गाड़ी ना जिस टाइम मैं चला रहा था ना, बैलेंस कर रही थी, हमेशा मेरा नुकसान होता है। तेरा नुकसान क्या होगा? तूने पहले बोला था कि गाड़ी का पंचर हो रखा, वो उस टाइम पे हो गया होगा, क्या पता वो उस टाइम पे आधी चुकी होगी, पूरी चुक गई उस टाइम पर। हुआ था ना भाई, हवा कम हुई थी ना भाई टाइम पे, क्या पता तू अकेला था ना इसलिए उस टाइम पे कमोटरी होगी, इस टाइम पे हम तीन थे। यार अभी भैया पंचर चेक कर रहे कि कहाँ पे पंचर है। तो फाइनली वाइज हम पहुँच चुके हैं TVS के शोरूम में। आई होप यार मेरा बिल यहाँ पे सही आए, उम्मीद तो नहीं है मुझे कि सही आएगा, बट देखते अब इनकी सर्विस कैसी रहती है। एक भैया है जान पहचान का, और वो भैया सही काम कर देगा तब तो सही है, TVS वालों से तो मेरा भरोसा उठ गया। तो भाई अभी आए हम शोरूम से बाहर, और भाई यहाँ पे ना
मतलब एक उसका जो गोल गोल चक्रा होता है वो ख़राब हो गया। वो गोल मैंने पिछली बार न्यूटीरी में सही करवाया था, वो पड़ा था उसको कम से कम 4-5 हज़ार रुपये का, और वही चीज़ भाई लोग बता रहे कि वो चीज़ तुम्हारी ख़राब हो रही है। और तुम्हें वो गाड़ी पे ओरिजिनल डलानी है तो वो 6 हज़ार की पड़ रही है, और अगर तुम्हें डुप्लीकेट डलानी है तो 3-4 हज़ार का खर्चा। डुप्लीकेट नहीं से जो भी ना, वो सच्चाई बता नहीं सकते भाई, बट ठीक है दूसरी गाड़ी से निकाल के डालेंगे उसमें, ठीक है तो क्या करेगा। तो समझदार हो आप लोग, सुन लिया आपने मानसू क्या बोल रहा है, बट जो भी है हमें क्या मतलब इससे। और मेरा दिमाग इतना ख़राब हो गया ना भाई, परसों ही हमने इस पर 3-4 हज़ार रुपये लगाए और अब फिर से पैसे लगाने पड़ रहे हैं उस पर। तो मेरा बिल्कुल ब्लॉक करने का मन नहीं है, और TVS वालों को देख के तो मेरा मन कर रहा है भाई क्या करूँ मैं, इनके शोरूम काम के ही नहीं है भाई, पता नहीं क्या क्या कर लेते गाड़ी पे, किसी गाड़ी से कुछ करके दूसरी गाड़ी पे करके कुछ। अब मेरी किस्मत में आया ऐसा, या फिर TVS वालों की सर्विस ही ऐसी है लग रहा है मुझे। तो भाई इसका एक रैफर ख़राब हो रखा है और एक पंखा ख़राब हो रखा है जो कि 6 हज़ार का बता रहे भैया, और एक ये चीज़ भाई साहब तीन चीज़ ख़राब हो रखी गाड़ी पर, पता नहीं क्या कहाँ से हुआ कुछ ये। तो फाइनल वाइज गाड़ी रेडी हो चुकी है और इस पर टोटल मिला के लगे 5 हज़ार रुपये, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, बट यार अब गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही है। जो इसको डबल स्टैंड पे लगा के देखना है करी, आई नहीं हो चलाओ तो। तो भाई अब इसको एक बार स्टार्ट करके देखते हैं, आपको बताते हैं कैसे चल रही है। पहले ना ये यहाँ पे आवाज़ कर रहा था, बट इस टाइम पे अब आवाज़ नहीं करेगा। इस टाइम वो कटर कटर कर रहा है, स्टैंड तो करेगा ये भाई, स्टैंड कर रही है वो कर रहा, स्टैंड कर रहा करो, स्टैंड कर रहा बस बस, वही कर रहा वही कर रहा वही कर रहा वही कर रहा। इस पे आवाज़ क्या कर रहा देखना है, क्लच कर रहा, क्लच होता है ना वो कर रहा, रोलर कट 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 दूंगी उसके आगे जो रोलर होते हैं। अब भी तो यार भाई वो करा सही करवाया, सही करवाया हाँ, अभी क्लच भी तो काम करवाया, अभी वैसे नहीं है आवाज़ कर रही भाई, अब भी सही करवाई हमने, अभी आवाज़ करने लगी। तो भाई अभी हमने गाड़ी जस्ट सही करवाई, और भाई अब गाड़ी अभी भी ख़राब है, मतलब समझ नहीं आ रहा है क्या ये कर क्या रहे, काम कर रहे कि क्या कर रहे हैं भाई, इनको बोलना पड़ेगा कि भाई करना है तो मिस से करो, नहीं करना तो मत करो, घटिया शोरूम है, मैं तो 0 रिव्यू दूंगा इसका। Hours later. तो यार लास्ट में मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कभी भी आना हो आपको ना, एंडोर की गाड़ी मत ही लेना, मतलब ये वाली गाड़ी तो बिल्कुल मत लेना, आप एक्टिवा की तरफ जा सकते हो, जुपिटर की तरफ जा सकते हो, बट अगर ये गाड़ी लेनी है ना तो ये तो बिल्कुल मत लेना। तो फिलहाल यहाँ से हमारा डन हो चुका है और यहाँ से निकल रहे हैं सीधा घर को। इस गाड़ी ने यार मेरा इतना खर्चा करवा दिया ना, पहले भी 4 हज़ार का खर्चा, इस टाइम 5 हज़ार का खर्चा, और मेरा मन तो बिल्कुल नहीं है इस गाड़ी को रखने का। गाड़ी तो बहुत प्यारी है ये, मना भी नहीं करता मैं, बट यार खर्चा बहुत मांगती है। तो गाइस अभी रुके हम फ्लाईओवर पे, और मेरा ना घर जाने का मन नहीं कर रहा, मतलब यार खुद से ही बुरा लगता है घर वालों से पैसे मांगने में, कल ही वही इतना खर्चा होता है, और ऊपर से जब गाड़ी ख़राब हो जाए घर वालों को फ़ोन करके बोलेगी यार गाड़ी ख़राब होगी, तो यार और ज़्यादा बुरा लगता है। घर वाले भी कब तक देते रहेंगे यार, उनका भी एक टाइम तक होता है देने का, और मुझे ना इस एज में बहुत शर्माती घर वालों से मांगना, मेरे हिसाब से यार हर लड़के को आती होगी जिनकी एज 20 से ऊपर होती ना, उनको फिर यार घर वालों से मांगना अच्छा नहीं लगता है। फैमिली पर्पज़ से ले रहे हो ना गाड़ी, कसम से ये गाड़ी छोड़ दो आप, फैमिली पर्पज़ से तो भयंकर घटिया गाड़ी है ये, फैमिली पर्पज़ से लेनी तो ये इस गाड़ी की तरफ जाना चाहिए आपको, एक्टिवा काफ़ी अच्छी गाड़ी है और एवरेज भी काफ़ी अच्छा देती है। क्या कर नहीं दूंगा यार, एक्टिवा वालों को दे रहा मैं, एक्टिवा क्या है कबाड़ा ला रखा तुम्हें, इससे अच्छा कबाड़ा देख, वो कबाड़ा देख भयंकर की गाड़ी अच्छी है यार, देख लुक वाइज बहुत प्यारी लग रही है, देखो भाई क्या मस्त लग रही है, सब कुछ बढ़िया है, ये देखो आप चेक करो भाई बहुत प्यारी गाड़ी है, बट इसमें बस ये एक दिक्कत है, एक बार ही खुली गाड़ी उसके बाद खर्चा ही खर्चा मांगती है, या तो कंपनी वाले लूटते हैं हमें उसके पार्ट्स निकाल के, ये ख़राब हो गया वो ख़राब हो गया, या फिर इस गाड़ी में ही दिक्कत है जो ऐसे ख़राब होती रहती है।